इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम स्पिनर्स को बैकफुट पे कैसे खेलें, हाउ टू प्ले स्पिन, ये पार्ट टू है। ठीक है, अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो आप जाके उसे देख सकते हैं। ठीक, इसमें हम बात करेंगे कि हम किस तरीके से बैकफुट पे स्पिनर्स को खेलें। तो उसके लिए हमको जो करना पड़ेगा अपने वो क्रीज का इस्तेमाल करना पड़ेगा, अपने बैक लेग का, कि आपको डीप क्रीज में जाना है। ठीक है, क्रीज की डेप्थ का यूज करना है, उसके बाद हम स्पिनर्स को इजीली से टैकल कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने अभी तीन बॉल आपको ले रखी है। ठीक है, तो उसके लिए आपको करना क्या है, अपना स्टांस लेना है। उसके बाद जैसे ही आपने बॉल जज किया कि वो आपका गुड लेंथ एरिया से पीछे है, कहने वाला शॉर्ट ऑफ लेंथ है, तुरंत आपको अपना बैक लेग जो है, ठीक है, बैक लेग को आपको लेके जाना है, बैक फुट आपका ऑफ स्टिक कवर करना है। उसके बाद जो फर्स्ट बॉल है उसको आपको जाके, आपकी बॉडी लाइन वो बॉल है तो आप उसको जाके पीछे जाके उसको पुल कर सकते हैं। ठीक है, इजिली। उसके बाद जो सेकंड बॉल है वो ऑफ स्टंप के हल्का सा बाहर है तो उसको आप जाके बैक फुट पे जाएं और इजिली आप उसको पंच कर सकते हैं। ठीक, और जो थर्ड बॉल है वो आपको ऑफ स्टिक से बाहर है तो आप उसको इजिली जाके कट कर सकते हैं। तो उसके लिए भी आपको जाके सीधे जो भी आपका मूवमेंट है, आप जाके आपका जो इनिशियल मूवमेंट है, ठीक है, आपका 1, 2 एंड 3 पे आपको उसको कट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज का आप यूज करें कि आपको जितना आप अपना क्रीज का यूज करेंगे उतने आप इजीली स्पिनर्स को खेल पाएंगे, क्योंकि बिगनर्स का जो प्रॉब्लम है कि वो अपना फुटवर्क जो है वो लेके ही नहीं जाते हैं ज्यादा बैक फुट पे। ठीक है, तो आप जितना क्रीज का यूज करेंगे उतना आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा इस चीज में। तो आप उतना जितना आप यूज करेंगे उतने ही आप देखेंगे कि आप बॉलर्स को उतनी परेशानी में डाल रहे हैं, तो इस चीज का आप ख्याल रखें। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाता हूँ किस तरीके से आप पुल, पंच और कट कर सकते हैं। ठीक है, 1 जो भी आपका इनिशियल मूवमेंट है, ठीक है, बोल लें आपको अपना बैट जो है ऊपर बैक लेफ्ट लेके जाना है, 1, 2 पे अपना ऑफ स्टिक कवर करना है आपको एंड 3 पे पूरा शॉट मारना है। ठीक है, पुल मारते में आप इस चीज का ख्याल रखें आपका आर्म्स का एक्सटेंशन पूरा होना चाहिए और आपकी रिस्ट जो होनी चाहिए वो रोल होनी चाहिए, बॉटम एंड आपका रिस्ट को रोल करेगा जिससे बॉल यहीं ग्राउंडेड हो जाएगी। ठीक है, सेकेंड इज पंच, 1, 2 एंड 3 पंच पे आपको जाके पूरा अपना जो एल्बो है ये पूरा अप करना है। ठीक है, इस चीज का ख्याल रखें। अब आता है आपका कट, 1, 2 एंड 3 जब भी आप कट करें तो इस चीज का ख्याल रखें आपका आर्म्स जो पूरे एक्सटेंड होने चाहिए और उसमें भी आपका बॉटम एंड जो बॉल को रिस्ट को रोल करेगा ये। ठीक है, तो ये हो गया आपका कट। तो इन तीनों शॉट्स को आपको बैकफुट पे इजीली आपको मिल जाते हैं, तो इन तीनों शॉटों को आप जितना ज्यादा हो सके इनकी प्रैक्टिस करें और अपने गेम को इम्प्रूव करें। अब एक ही ड्रिल है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं और अपने गेम को इम्प्रूव कर सकते हैं। बैकफुट के जितने भी शॉट्स होंगे स्पिनर्स के, आपको उसके लिए ये ड्रिल है, तो आप इसको फॉलो करें। पहला बॉल जो था मेरी बॉडी लाइन था, ठीक है, तो मैंने उसको जाके सिर्फ बैकफुट पे जाके उस बॉल को पुल किया है। ठीक है, तो इसमें आप इस चीज का ख्याल रखें, पुल जो है आप जो करना चाहें उसमें सबसे पहले इस चीज का ख्याल रखें कि आप अपने थोड़ा सा फील्ड का भी देख लें कि फील्ड अगर वो आपका सारा फील्ड अंदर है तब आप उठा के उसको मारें, लेकिन अभी आप बिगनर्स हैं तो बिगनर्स जितने भी हो उसको ग्राउंडेड खेलें। ठीक है, तो अपना रिस्ट रोल करना बहुत जरूरी है पुल के लिए। ठीक, नेक्स्ट अब ये था पंच के लिए। ठीक है, बॉल जो है मेरी ऑफ स्टिक्स के थोड़ा सा बाहर थी तो मैंने उसको इजिली जाके उसको पंच कर दिया। पंच करते में अपना एल्बो का आप ख्याल रखें, इस चीज का ख्याल रखें कि आपका पूरा जो वेट होना चाहिए वो बैक लेग पे होना चाहिए और जब भी आप पंच कर रहे हैं तो आपका जो पंजा है आपको जाके अपना वेट पंजे पर रखना है। ठीक है, ये नहीं कि आप पूरा पैर रखेंगे तो आपको जो मोमेंटम है वो मोमेंटम नहीं मिलेगा, तो आप कोशिश करें कि अपना पंजे पे पंच करें। नेक्स्ट जो है वो है कट। ठीक है, बॉल जो था ऑफ स्टिक के काफी बाहर था तो उसको जाके आप अपना उसको कट करें और कट करते में मेरा जो फोकस था वो यही कि मेरा जो बॉटम हैंड है वो प्ले में आना चाहिए, तो मेरा बॉटम हैंड ने शॉट को एकदम ग्राउंडेड कर दिया जिससे कि बॉल एयर में जाने का जो रिस्क है वो बिल्कुल खत्म हो गया और मैं आराम से अपना शॉट जो है कट जितने भी है मैं अपना ग्राउंडेड खेल सकता हूँ और अपनी एक लंबी इनिंग बना सकता हूँ। तो ये एक ड्रिल है, अभी मैं कंटिन्यू कुछ बॉलें खेल के दिखाऊंगा, बॉल की लेंथ जहां भी होगी मैं उस तरीके से उस शॉट को खेलूंगा, तो आप कंटिन्यू इस ड्रिल को फॉलो करें और अपने बैटिंग को डे बाई डे इम्प्रूव करें। पुल, पंच, ये कट, पुल, पंच एंड ये कट, पुल। ठीक है, तो ये ड्रिल है, आप इसको फॉलो करें डे बाई डे, अपने गेम को इम्प्रूव करें और जितना आप इन चीजों को फॉलो करेंगे उतना आपको रिजल्ट्स मिलेगा। ठीक है,
ये नहीं कि आप एक दिन में क्रिकेटर बन जाएंगे। क्रिकेटर बनने के लिए आपको जो जरूरत है वो कंसिस्टेंसी की। डे बाय डे आप जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतनी ज्यादा आप इम्प्रूवमेंट लेंगे। जितना ज्यादा आपका इम्प्रूवमेंट आएगा उतनी ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होगा। कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होगा तो आपके अंदर जो सेल्फ बिलीव बनेगा कि हाँ मैं हर कंडीशन में अच्छा कर सकता हूँ क्योंकि मैंने उसकी उस लेवल की मेहनत कर रखी है, उस हिसाब से आपका एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और सेल्फ बिलीव बनता जाएगा कि हाँ मैं जितनी भी टफ सिचुएशन है उनको भी इजीली टैकल कर सकता हूँ और वही चीज आपको काम आएगी। तो अपने गेम को डे बाय डे इम्प्रूव करिए और पूरी फोकस होके पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ लग जाइए अपने गेम को इम्प्रूव करने में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।